सीजन 14 का आज है वीकेंड का वार, वो भी साल 2021 का पहला वीकेंड का वार। और ये वीकेंड का वार काफी ज्यादा खास और मजेदार रहा, क्योंकि कुछ मेहमानों की एंट्री हुई, घर में कुछ नए सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और बहुत ज्यादा हंगामा देखने को मिला। लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली गोगिया और चलिए आपको बताती हूँ आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज था सैटरडे यानी कि वीकेंड का वार। सलमान खान झूमते नाचते गाते हुए नजर आते हैं और बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ सबका स्वागत करते हैं। इसके बाद में वो बात करते हैं घर वालों के बारे में, जहां पर देखने को मिलता है कि घर में राखी सावंत और जैस्मिन भसीन के बीच में एक बड़ा झगड़ा हो रहा होता है, जहां पर वो एक दूसरे के फीचर्स को लेकर एक दूसरे पर ताने लगा रहे होते हैं। राखी कहती है कि तू आना मेरे पास, तुझे अच्छे तरीके से घिस दूंगी, घिस घस के धो दूंगी, क्योंकि यहां पर वो बर्तन साफ कर रही होती है। तो वही जैस्मिन भसीन राखी की चीजों को लेकर कहती है कि इतना मत जोर लगाओ वरना तुम्हारी नाक टूट के गिर जाएगी। इस पर राखी और भी ज्यादा तिलमिला उठती है और वो उनके फीचर्स पर कहती है कि चमगादड़ जैसी शक्ल है, बड़ी बुरी शक्ल है, क्या समझती है अपने आप को। जैस्मिन भसीन कहती है कि कागज के थर्माकोल से तुझे चोट लग गई और अब इतने ज्यादा मचे के साथ तू इतनी चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है, अब तेरा दर्द कहाँ गया। इस पर राखी ने कहा कि अपने दर्द को समेट कर बैठी हूँ, सहन करके बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा मन में जो होगा तू वो बोलेगी वो करेगी। अपने मुंह पर लगाम रख और मुझसे फालतू बकवास मत करना। तू अपनी शक्ल तो देख, चमगादड़ जैसी पूरी शक्ल नकली है तू। तेरी शक्ल नकली, तेरी अकल नकली और तू खुद भी नकली। और इस तरीके से विकास गुप्ता को बीच में आना पड़ता है उन्हें समझाने के लिए, लेकिन जैस्मिन भसीन लगातार उन पर तीखे वार करती दिखाई देती है। मामला यहीं नहीं रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात के वक्त घर वाले तो शांति की नींद लेने की कोशिश करते हैं लेकिन सोनाली फोगाट का सोने का मन नहीं होता। वो सोने के बजाय अर्षय से बात करती दिखाई देती है, तो अर्षय उन्हें कहती है कि जोर से बात करो ना। तो सोनाली जब जोर से बोलती है कि बाहर चोर आए हुए हैं, तो रुबीना की नींद खराब हो जाती है और वो सोनाली से लड़ पड़ती है। तो सोनाली कहती है कि यहाँ पर किसी को महारानी वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब इक्वल है और सबको बोलने का और उनका जो मन है वो करने का अधिकार है। तो आप अपना ये महारानी वाला जो एटीट्यूड है ये कहीं और लेकर जाए। तो रुबीना ने कहा कि मेरी नींद खराब की है और इस बात की भरपाई तुम अगले एक हफ्ते तक करोगी। तो ये सोनाली ने भी कह दिया कि यहाँ पर चाहे रुबीना हो या रुबीना की, मैं किसी को महारानी वाला ट्रीटमेंट नहीं देने वाली, क्योंकि मेरा जो मन होगा वो मैं करूंगी। इसी के साथ ही मामला यहीं नहीं ठंडे पड़ते हैं। अगले दिन की शुरुआत होती है, घर वाले झूमते नाचते गाते दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्षी का रुबीना के साथ झगड़ा हो जाता है और अर्षी कहती है कि पता नहीं अपने आप को कहाँ की महारानी समझती है। और इन दोनों के बीच में किचन में ही एक दूसरे पर ये ताने बाने बुनती नजर आती हैं। अर्षी खान कहती हुई नजर आती है कि अब ये जो रुबीना दिलायक है ये मेरा टारगेट है, क्योंकि अब ये मेरी आंखों में आ गई है, इसका ये जो बिहेवियर था कल रात ये मुझे बिल्कुल नहीं जमा। तो ये रुबीना दिलायक कहती है कि तुम्हारा जो मन होना करो, क्योंकि मैं तुमसे डरती नहीं हूं और जो तुमने किया है उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही होगी। इसके साथ ही सलमान खान फिर घर वालों से मुलाकात करते हैं और वीकेंड का वार में सलमान खान घर वालों से बातचीत भी करते हैं और उनके लड़ाई झगड़ों पर वो उन्हें डांट फटकार लगाते हैं। उनके हफ्ते भर की गई गलतियों को लेकर उन्हें समझाइश देते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीकेंड का वार के आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स बाकी दूसरी खबरें अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।